रहती है महाराज कि एक वृक्ष लगाने से 100 गौ माता की सेवा के बराबर और 1000 गांव दान के बराबर पुण्य प्राप्त हो जाता है मात्र एक वृक्ष लगाने से। अगर आपने जिंदगी में एक पेड़ लगाया, एक वृक्ष लगाया, उसको पाल पोस के बड़ा करा, बड़ा कर कर वो पेड़ अगर बड़ा हो गया, तो वृक्ष बहुत बड़ा हो गया, कहीं आपने लगाया और वो वृक्ष बड़ा हो गया। अगर आपने एक वृक्ष लगाया है तो समझ लेना तुमने 1000 गौ का दान दे दिया, 1000 गौ का दान दे दिया। और 100 अगर वृक्ष को तुम बड़ा कर रहे हो, पानी डाल रहे हो, खाद डाल रहे हो, उस वृक्ष को बड़ा कर रहे हो, तो समझ लेना 100 गाय माता को पालने के बराबर पुण्य मिलता है एक वृक्ष को बड़ा करने में, 100 गौ माता को पालने के बराबर पुण्य। ये राजा कामरूपेश्वर की कथा वर्णन करती है। शिव महापुराण में भीमा शंकर की जो कथा आती है उसमें कामरूपेश्वर की कथा आती है। यहां वृक्ष भी हमको गौ माता के दान का पुण्य देते हैं, वृक्ष भी। कई लोग कहते हैं गुरु जी कौन सा वृक्ष अच्छा होता है, कौन सा वृक्ष बेकार होता है, हमारे यहाँ पर बहुत सारे पेड़ लगे हैं हम काटते हैं। हमने कहा सभी वृक्ष अच्छे होते हैं, कौन सा महाराज ने कहा कि बेकार होता है। पेड़ वृक्ष छाया देने वाला अगर किसी पथिक को छाया दे रहा है तो उससे बढ़िया जिंदगी में कोई सुख नहीं, कोई साधन नहीं। ठीक है, महाराज पांडव गए नीचे से महादेव नहीं निकले। ध्यान रखिएगा जरा, शिव मंदिर में एक बात का स्मरण आपके भीतर रहना चाहिए कि जहां शंकर जी का जो जल बह रहा हो उसको लांघना नहीं है। हाँ, एक काम जरूर करना, जो जल बह रहा है उस पर हाथ का स्पर्श कर अपनी आंखों से जरूर लगा लेना। अभी तो खैर प्रसाद शिव महापुराण की कथा यहाँ नहीं चल रही है, यहाँ तो 12 ज्योतिर्लिंग चल रही है। पर जब आप 3 तारीख से 9 तारीख तक कथा सुनेंगे, उसमें पहले दिन की जो कथा है 3 तारीख से बड़ौदा से, वो तो 1 बजे से 4 बजे तक आएगी, बाकी की सब 2 बजे से 5 बजे तक रहेगी। उस कथा में आप सुनेंगे तो जो शिवजी पे चढ़ा हुआ जल और पंचामृत जिस ब्राह्मण जिस पात्र में अभिषेक कराते हैं, जिस पात्र में रखते हैं, या जल जहां बहकर जाता है उस तक पात्र में अभिषेक कराते हैं, जिस पात्र में रखते हैं, या जल जहां बहकर जाता है उस तक का महत्व है, उसका भी वर्णन किया गया कि उस जल की कितनी महत्व, उसका कितना प्रयोग होना चाहिए। ये धतूरा जो है ना, आप लोग शिवजी पे चढ़ा देते हो, एक तिथि एक दिन शंकर भगवान का ऐसा भी आता है कि धतूरे को तोड़कर चढ़ाया जाता है, कभी भीतर से इसका जो गुर्दा निकाला जाता है वो शिवजी पे समर्पित करा जाता है, और उसका भी स्मरण हमारे यहां पर किया गया है। आप कभी काशी जाएं या उज्जैनी जाएं या सोमेश्वर सोमनाथ जाएं या भीमा शंकर जाएं, तो वहां पर जब आप धतूरा चढ़ाएंगे तो वहां पंडित जी आपका वो धतूरे को तोड़ देंगे, तोड़ने के बाद उसको समर्पित कर। हाँ, उसका भी वर्णन हमारे शास्त्र करते, वो भी हम सुनेंगे उस कथा में 3 से 9 तारीख वाली में, दिसंबर की कथा बड़ौदा से। महाराज पांडव ने देखा, भीम पांडव गए थे पाप धोने के लिए, भीम गया था महादेव को केवल रिझाने के लिए, उनका दर्शन पाने के लिए, पांव फैलाकर खड़ा है, नीचे से सारे पशु निकल गए, शिव नहीं गए, भगवान शंकर नहीं गए, नंदी के रूप में थे गिन गए। इसने पहचान लिया ये महादेव है, शंकर भगवान भी जान गए ये मुझे पहचान गया है, शिवजी भागे।
जैसे ही भागे एक पर्वत की कंदरा में शंकर भगवान प्रवेश करने लगे। जैसे ही प्रवेश करा भीम शिवजी पर कूद पड़ा और शिवजी की जो पीठ थी उस भाग को पकड़ लिया। अब आधा भाग तो उस गुफा में उस कंदरा में चले गया पर्वत की, आधा भाग शिव का। जैसे एक नंदी के पीठ पर एक अग्र भाग बना होता है, उस भाग को, नंदी के भाग को वो भीम ने पकड़ लिया। पकड़ते से भीम बस शिव को पकड़ता है, उस नंदी के अग्र भाग को पकड़ता है और पकड़ कर चिल्ला पड़ा, मेरे महादेव एक बार तो दीदार दे जाओ, एक बार तो दर्शन दे जाओ। शिव प्रकट शिवाला। शंकर भगवान उसी अग्र भाग से जो नंदी का अग्र भाग है उससे प्रकट होकर कहते हैं, भीम तूने मुझे पहचान लिया पर तेरे भाई मुझे नहीं पहचान पाए, पर प्रभु आप उनको भी दर्शन दीजिए, एक बार कृपा तो कर दीजिए। जो शिव महापुराण की कथा सुनने वाले होते हैं, जब अपने पड़ोस में भी अगर कोई दिक्कत आती है तो वो एक बार तो कह ही देते हैं, मैंने सुना है तो रुद्राक्ष का जल दे दे, मैंने सुना है तो एक लोटा पानी चढ़ाया, मैंने सुना है एक पशुपति व्रत कर ले। ये अपने पास वालों को भी समझा देती हैं, अपने रिश्तेदारों को भी कह देती हैं, फोन पर बात करते करते देती हैं कि कथा आ रही है, कथा सुनो, तकलीफ है कथा का स्मरण करो, रसतत्व ग्रहण करिए, आनंद लीजिए उस कथा का। एक पत्र आया, देखिए